हेलो मॉमीज एंड डैडीज, आज आप जानोगे 4 मंथ बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। समय जो बेबी का वेट होता है वो 5.5 kg से लेकर 7.5 kg के बीच में होता है। इस टाइम पर बेबी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, वो आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपसे बातें करने की कोशिश करते हैं। इवन आप देखोगे कि इस टाइम पर आपके बेबी का जो बोलना होता है वो पहले से भी ज्यादा हो जाता है। पहले बेबी कुछ शॉर्ट टर्म के लिए बोलती थी, बट इस टाइम पर क्या होता है, आपकी बेबी का जो बोलना होता है वो काफी लॉन्ग टाइम के लिए होता है और काफी देर तक वो अपनी ही लैंग्वेज में कुछ ना कुछ बोलते हुए आप नोटिस करोगे कि वो बोल रहे हैं। इस टाइम पर बेबी का जो विजन होता है वो काफी अच्छे से डेवलप हो चुका होता है, यानी कि उसकी जो देखने की क्षमता होती है वो पहले से काफी ज्यादा हो चुकी होती है। अब वो किसी भी एक चीज के ऊपर काफी देर तक फोकस कर सकता है। आप कभी उसके सामने टॉयज लेके जाओगे तो आप देखोगे कि वो टॉयज को काफी देर तक देख रहा है। आप उसे लेफ्ट साइड करोगे तो बेबी की आईज भी लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगी, आप राइट साइड करोगे तो बेबी की आईज भी राइट साइड की तरफ मूव करेगी। आप टॉयज को जिस डायरेक्शन में मूव करोगे बेबी उस डायरेक्शन में अपनी आईज को मूव करना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम पर बेबी का जो हाथों का और पैरों का मूवमेंट होता है वो पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हो जाता है। अब वो काफी तेजी से अपने पैरों को और हाथों को मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो अपने आप में काफी देर तक खेल भी सकते हैं और इस टाइम को काफी एंजॉय भी करते हैं। इस टाइम पर बेबी को म्यूजिक काफी पसंद आता है और बेबी इस पर रिएक्ट करना, उसे एंजॉय करना भी स्टार्ट कर देते हैं। आप देखोगे कि जब भी आप म्यूजिक प्ले करोगे, बेबी के पास कोई भी सॉन्ग चलाओगे, वो उसके ऊपर फेसेज बनाना स्टार्ट कर देता है, उसे एंजॉय करता है। उस टाइम पर वो कुछ ना कुछ बोलना भी स्टार्ट करते हैं, म्यूजिक को काफी अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो म्यूजिक इस टाइम पे बेबी को काफी पसंद आना स्टार्ट हो जाता है। इस मंथ में बेबी आपसे बातें करना स्टार्ट कर देंगे, वो आपकी बातों पर रेस्पॉन्ड करेंगे और ये बहुत अच्छा टाइम होता है अपने बेबी से बात करने का, क्योंकि आप जितनी ज्यादा बात करोगे उनका जो ब्रेन होता है वो काफी ज्यादा वर्क करेगा और वो रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट करेंगे, वो लर्न करना स्टार्ट करेंगे। इसलिए इस वक्त ज्यादा से ज्यादा आप अपने बेबी से बातें कीजिए। इस टाइम पर बेबी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड हियरिंग काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो रहे होते हैं। अब बेबी अपने पैरों को अपने हाथों से पकड़ना स्टार्ट कर देता है। वो काफ़ी देर तक अपने पैरों को अपने हाथों से पकड़ कर खेलता रहता है। कभी कभी वो अपने पैरों को मुंह में डालने की भी कोशिश करता है। बेबी आपकी बातों पर रेस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है। जो वर्ड्स आप उससे मोस्टली यूज में लेते हो, आप देखोगे कि आपका बेबी उन पर रिएक्ट करना स्टार्ट कर रहा है। कभी कभी वो आपके वर्ड्स की कॉपी करने की भी कोशिश। इस टाइम पर आप अपनी बेबी के साथ गेम खेलना स्टार्ट कर सकते हो, जैसे पीकेबू गेम। इस गेम के थ्रू आप अपनी बेबी को काफी देर तक एंगेज रख सकती हो, वो काफी एंजॉय भी फील करता है, रिएक्ट भी करेगा जैसे जैसे आप उसके साथ ये गेम खेलोगे। गेम का फायदा ये होता है कि इससे आपके बेबी की जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, वो काफी अच्छे से होता है। उनका ब्रेन काफी अच्छे से डेवलप हो रहा होता है, वो नोटिस करना सीखते हैं, वो एंजॉय करना सीखते हैं। इसलिए आपको अपने बेबी के साथ गेम प्ले करना चाहिए। इस टाइम पर बेबी बैठना शुरू कर देते हैं, वो काफी देर तक एक जगह पर सपोर्ट के थ्रू बैठे रह सकते हैं। इस टाइम पर बेबी अपने मुंह में बहुत ज्यादा फिंगर, थंब या फिर कोई भी चीज जो आप उन्हें दे रहे हो उसे मुंह में डालना स्टार्ट कर देता है। इसलिए इस टाइम पर आपको बहुत ज्यादा अवेयर रहने की कोशिश करनी है कि आपका बेबी कहीं ज्यादा थंब या फिंगर मुंह में तो नहीं ले रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे इसकी हैबिट ना बन जाए। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब भी आपका बेबी थंब या फिंगर मुंह में डाल रहा है तो आपको उसे बाहर निकालना है। इस टाइम पर बेबी टमी टाइम काफी ज्यादा एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें ये टाइम पसंद आने लगता है। इवन वो अपने हाथों की हेल्प से अपने शोल्डर को भी ऊपर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका जो नेक का बैलेंस होता है, हेड का जो बैलेंस होता है, वो काफी अच्छे से होने लग जाते हैं। वो अब इजीली अपनी हेड को बैलेंस रखना सीख जाते हैं। इस टाइम पर आपके बेबी की जो ग्रिप होती है वो काफी अच्छे से बनना स्टार्ट हो जाती है। आप उन्हें कुछ भी दोगे वो अच्छे से पकड़ना सीख जाते हैं, वो काफी देर तक उसे होल्ड कर सकते हैं, उनकी जो ग्रिप की पकड़ होती है पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है इस टाइम पर। इस टाइम पर बेबी का जो स्लीपिंग रूटीन होता है वो काफी अच्छे से सेट हो जाता है। पहले जो बेबी बार बार परेशान करते थे, अब आप देखोगे कि आपके बेबी का एक स्लीपिंग रूटीन बन चुका है। वो आराम से अब 9 से 11 घंटे की नींद पूरे दिन में ले लेता है, जिसमें दिन में 3 बार वो सोता है और रात को एक लंबी नेप भी आप देखोगे कि आपका बेबी लेना स्टार्ट कर दिया है।
अगर 4.5 महीने तक आपके बेबी का विजन अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है या फिर उसका हेड अभी तक बैलेंस नहीं हो रहा है तो आपको एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाना है, अगर आपका बेबी प्रीमेच्योर नहीं है तो। क्योंकि 4.5 महीने तक बेबी अच्छे से देखना स्टार्ट कर देता है और उसका जो हेड का बैलेंस है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको फिर देर नहीं करनी है, एक बार आपको डॉक्टर से जरूर कॉन्टेक्ट करना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा।